नमस्कार, योगा फॉर यू में आपका स्वागत है। आज मैं वापस बच्चों की सीरीज में और एक बात करूंगी और वो है बच्चों में वजन न बढ़ना। मैंने देखा है कि जब हम आजू बाजू नजर फैलाते हैं, देखते हैं, तो मेजोरिटी चिल्ड्रन जो है वो अंडर वेट होते हैं, वजन उनका कम रहता है। और कई माताएं एक्चुअली वजन कम ना हो तो भी चिंतित रहती है कि मेरे बच्चे का वजन क्यों कम है। तो मैंने देखा है कि आयुर्वेद के द्वारा बच्चों में वजन डेफिनेटली बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वजन बढ़ाने में कई बार ऐसा होता है कि कितने भी न्यूट्रिशियस मटेरियल दो, आप उनको प्रोटीन के पाउडर दो, तो भी वजन नहीं बढ़ता। वजन न बढ़ने में दो मुख्य वजह रहती है। एक ये रहता है कि कहीं बच्चों में कंटिन्यूअसली कफ कोल्ड होता है और उसकी वजह से उनका एपेटाइट कम होता है और उससे फिर उनका वजन नहीं बढ़ता। और दूसरा कारण ये रहता है कि जिसमें कफ कोल्ड उनको नहीं होता है ज्यादा करके, लेकिन फिर भी कितना भी खाओ उनको वजन नहीं बढ़ता, और कई बार उनको भूख भी नहीं रहती है तो उसकी वजह से खाना भी कम खाते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो सेकंड टाइप है उसमें कफ कोल्ड नहीं रहता है, फर्स्ट टाइप है उसमें कफ कोल्ड होता है और वजन नहीं बढ़ता। तो मैं आज आपको जो बात करने वाली हूँ वो इस प्रकार के बच्चों के बारे में जिनको कफ कोल्ड नहीं है अधिक, यानी कि वो ज्यादा पित्त प्रकृति वाले हैं, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, कभी कभी स्किन पे रेड इचिंग भी स्पॉट्स भी आते हैं ऐसा देखा गया है, कभी कभी पेट में जलन होती है ओकेजनली, ज्यादा नहीं। तो इस प्रकार से के जो बच्चे हैं उसमें पर्टिकुलरली ऐसे लक्षण होते हैं कि कई बार बहुत खाते हैं तो भी वजन नहीं बढ़ता, और कई बार उनको पीछे पड़ो उसके तो भी वो लोग खाते नहीं है। कितनी स्टोरी करके, टीवी चालू करके माँ जो है कि उसके मुंह में खाना ठोसते रहती है, लेकिन अपनी मर्जी से वो लोग कभी भी खाना नहीं खाते हैं। तो ये दोनों प्रकार के लोग जिनमें कफ नहीं होता है लेकिन वजन नहीं बढ़ता, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। तो मेरे यहाँ लास्ट ईयर एक स्विट्जरलैंड से कपल आया था, इनफैक्ट योगा फॉर यू देखकर ही वो मेरे पास आए थे। और ये कपल जो है वो ओरिजिनली मराठी थे, महाराष्ट्रन थे, मैं उनको बोलूंगी मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। और उनका बेटा जो था वो कुछ भी खाना नहीं खाता था। उनकी माँ आके सिर्फ मुझे उन्होंने एक ही बात की और करते करते उसको रोना आ गया। यानी माँ जो है उनका दिल इतना नाजुक रहता है कि जब बच्चा खाना नहीं खाता तो वो रो पड़ती है, सहन नहीं होता उनसे, ऐसा लगता है जैसे कि मेरे में ही कुछ गड़बड़ हो गई और मेरा बेटा बढ़ेगा नहीं तो फिर कैसा रह जाएगा, फिर कैसा दिखेगा, इतना छोटा ही रहेगा। तो इतनी सारी टेंशन्स उनको जो है कि वन बाय वन आने लगती है। तो ये जो है माँ उनकी आ करके पहले रोई, मैं कितना इसके पीछे पड़ती हूँ, मैं पागल हो जाती हूँ, खाना लेके उसके पीछे पीछे घूमते रहती हूँ तो भी ये खाना नहीं खाता है, और वजन तो बढ़ने का बाजू पे ही है, इतना छोटा है, 3 साल की उम्र का था लेकिन लगता था 1.5-2 साल का, इतनी हाइट छोटी पतला दोनों तरीके से। तो मैंने उनको बोला कि पहली बात यह है कि आप इसके पीछे पड़ना छोड़ दो। ऐसा मैं जब भी किसको बोलती हूँ ना तो माए चौंक जाती है, हैं? मेरा बेटा खाना नहीं खाता और मैं उसके पीछे पड़ना छोड़ दूं तो ये बिल्कुल नहीं खाएगा। हकीकत यह है कि जब आप जबरदस्ती उसे खाना ठोसते हैं उसके मुंह में तो बच्चों को खाने के प्रति अभाव आ जाता है। तो पहला काम आपको ये करना है कि उसके पीछे आप नहीं पड़ेंगे, वो खाने के पीछे पड़े। इसका मतलब यह है कि जब उसको भूख लगे, जबरदस्त भूख लगे, तब उसको जो चाहिए वो आप खाने दे दो। हाँ, जंक फूड नहीं, याद रखना, अच्छा खाना, घर का खाना, भले तला हुआ होगा तो भी चलेगा, पर होल फूड देना। तो ये उसको हाथ खाना दे दो, वो खाएगा, उस समय खाएगा, प्यार से खाएगा, दो हाथ से खाएगा, नहीं तो जीवन भर उसके पीछे आपको पड़ते ही रहना। 14 साल का होगा तभी भी आप उसके पीछे उसका प्लेट लेके घूमते होंगे, खाना खाओ करके। तो अपने आप खाना खाए ऐसी यदि आपको आदत डालनी है तो पहले आप उसको ठोसना छोड़ दीजिए, फर्स्ट। सेकंड, मैं अब जो उपाय दिखाने जा रही हूँ वो आप रेगुलरली करेंगे तो उसको अपने आप ज्यादा ज्यादा भूख लगेगी, अपने आप वो खाना मांगेगा। उसमें आपको हमेशा दिन में 2 बार अदरक का रस निकालना है, 1/2 चम्मच, 1/2 टीस्पून अदरक का रस, फ्रेश अदरक का रस 1/2 टीस्पून, चुटकी भर के उसमें अपना काली मिर्च डालनी है, 1 चुटकी भर के काली मिर्च डालनी है,
1 pinch of black pepper and half a teaspoon of fresh ginger juice. Mix it together. Add honey. उसमें शहद मिला दीजिए और ये शहद के साथ अदरक और काली मिर्च जो है उसको दिन में दो बार दीजिए. ये आप रेगुलरली करते जाएंगे तो 15 दिन महीने में उसको जबरदस्त भूख लगनी शुरू हो जाएगी और फिर उसके वजह से वो बहुत अच्छी तरीके से अपने आप खाना मांगेगा. तो ये जो स्विस कपल आया था मेरे पास, मिस्टर एंड मिसेस पाटिल, उनके बेटे को पहले मैंने बोला ठोसना बंद करो, दूसरा मैंने बोला ये दो तीन ऐसी औषधियां दी जिससे उसकी भूख बढ़े अपने आप, और तीसरा आयुर्वेद में ऐसी ऐसी वनस्पति है जिससे बच्चों में अपने आप वजन बढ़ता है जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ. ये मैंने उनको दिया. 6 महीने के बाद आ करके मिसेस पाटिल जो है मुझे आकर के बोलती है थैंक यू. लाइफ में पहली बार मैं उसको खाना ठोसती नहीं हूँ, उसके पीछे नहीं पड़ती हूँ, फिर भी वो पहले से 1.5 गुना ज्यादा खा रहा है और उसका वजन जो है 6 महीने में 3 किलो बढ़ गया. साल में उसका 1 किलो बढ़ता था, पहली बार 6 महीने में 3 किलो वजन बढ़ा. तो इस तरीके से आप रेगुलरली करेंगे, खाने में ध्यान रखेंगे तो वजन बढ़ेगा. अब वजन बढ़ाने का प्रयोग आप लिख लीजिए, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है. इस प्रयोग में लेना है 1 कप दूध, 1 चम्मच शतावरी का चूर्ण, 1 चम्मच शतावरी का चूर्ण, 1 टीस्पून एस्पेरेगस रेसिमोसस, 1/2 टीस्पून अश्वगंधा चूर्ण, 1/2 टीस्पून अश्वगंधा चूर्ण, 1/2 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण. अश्वगंधा को इंग्लिश में विधानिया सोमनीफेरा भी बोलते हैं. तो 1/2 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण, 1/2 चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर, 1/4 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर, 1/2 चम्मच सौंठ, 1/2 चम्मच सौंठ और 1/2 चम्मच इलायची, 1/2 चम्मच इलायची, 1 चम्मच भर के रॉ कैन शुगर, जो होल शुगर आती है मिश्री बोलते हैं या होल ब्राउन शुगर, वो 1 चम्मच डाल देना. इसमें 1/2 कप पानी मिला दीजिए, 1/2 कप पानी मिला दीजिए. फिर इसे स्लो ताप पे धीरे 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 बॉईल करते रहिए और उसके बाद उसे फिल्टर कर देना है. पानी पूरा उड़ जाना चाहिए, केवल 1 कप दूध जितना ही माप का लिक्विड रहना चाहिए. तो वो करते करते जो औषधियां है उसका पूरा सत्व दूध में आ जाएगा और उसको फिर छान करके ये दूध जो है वो बच्चों को आप दे सकते हैं. दिस इज लाइक अ नेचुरल प्रोटीन ड्रिंक और न्यूट्रिशियस ड्रिंक. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, 1 कप ऑफ मिल्क, 1 टीस्पून शतावरी और एस्पेरेगस रेसिमोसस, 1/2 टीस्पून अश्वगंधा और विधानिया सोमनीफेरा, 1/4 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर, 1/4 टीस्पून कार्डमम पाउडर, 1 टीस्पून रॉक एंड शुगर, 1/2 कप वाटर. लेट इट बॉइल ऑन अ वेरी वेरी मीडियम फायर फॉर लॉन्ग टाइम टिल 1/2 कप वाटर इज कम्प्लीटली इवापोरेटेड. फिल्टर दिस लिक्विड एंड दैट मिल्क यू शुड गिव एटलीस्ट वंस इन द मॉर्निंग एंड इफ पॉसिबल ऑल्सो वंस इन द इवनिंग. ये जो औषधियों से पकाया हुआ दूध है वो पचने में आसान है, कफ नहीं करता और बच्चों में वजन बढ़ाता है. तो जिस बच्चों में कफ कोल्ड ना होता हो, ज्यादा फीवर फ्रीक्वेंटली ना आता हो एंड फिर भी उनका वजन कम हो, उनको या तो भूख ना लगती हो या बहुत सारा खाने के बाद भी वजन ना बढ़ता हो, तो उस प्रकार के बच्चों में वजन बढ़ाने के लिए आज मैंने सारे उपाय आपको बताए. ये उपाय बिल्कुल सिद्ध है, आप जरूर आजमाइए. तो फिर मिलेंगे योगा फॉर यू में. नमस्कार.